Hello everyone. Now, one of other official notification has to be published in official website of RRB sites. Now you can watch now. तो फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है, जो कि आपको 15 जनवरी को 2022 को देखने को मिलेगा. और एग्ज़ाम जो सेकंड स्टेज का है सीबीटी 2 का, तो वो आपको 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच अनाउंस कर दिया जाएगा, मतलब होगा. ठीक है फ्रेंड. और जो है आपको सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल आरआरबी गुवाहाटी एंड अदर वेबसाइट पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि जो है ये जो टेंटेटिव जनवरी 15 जनवरी को है, इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और सीबीटी 2 जो है फरवरी में होगा. तो फ्रेंड्स मैं भी दिखा दूंगा यहाँ पर. और एक फ्रेंड्स बात बता दूँ, आरआरबी एनटीपीसी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जानी है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट जो है सेलेक्टेड है सेकेंड स्टेज के लिए, और कितने जो है पोस्ट है वैकेंसी है, और कितने एस्पिरेंट जो है वो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी. तो सबसे पहले फ्रेंड्स यही मोटा मोटी है कि आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के जो लोग भी एग्जामिनेशन दिए हैं वो सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई अगर करेंगे, तो उनको जो है फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 2022 में, जैसे कि यहाँ पर ऑफिशियली टेंटेटिव कर दिया गया है पब्लिश. ठीक है. और ये इलाहाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, हमारे सारे जोन्स के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे. ये नोटिस जो रिजल्ट्स है यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये फ्रेंड देखिए, एग्जामिनेशन को दिए काफ़ी दिन हो गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 फेजेस में इसके एग्जामिनेशन कराए गए थे, जो दिसंबर 2020 में इसका एग्जामिनेशन फेजेस के हुए थे, और लगभग ये एग्जामिनेशन जुलाई 31 को 2021 तक कंप्लीट कराए गए. द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर जो सीबीटी का है वो अंडर प्रोसेस है रिजल्ट का, किस कारण से कुछ कारण है यहाँ पर देख सकते हैं. और सेकंड एग्जामिनेशन जो है जो शॉर्टलिस्टेड होंगे वो फरवरी में 2022 में एग्जाम कराया जाएगा. तो कुछ गाइडलाइंस को इशू को मानते हुए इसको कोविड-19 को गवर्नमेंट जो है इसको आगे नोटिस बहुत जल्दी जारी करेगी. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी ऑफ लेटेस्ट अपडेट ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस. प्लीज डू नॉट मिस लैंड ऑन अट्राइस. मतलब बार बार आपको यही चेताया जाता है कि जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहें, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आते हैं उसी को आप सिर्फ देखिए. ओके. तो यहाँ पर सीबीटी का रिजल्ट 15 जनवरी को आना है. उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, जैसे नोटिस के रिगार्डिंग है कि जैसे यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर शॉर्टलिस्टेड सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए मतलब क्वालिफाई करके जाएंगे वो 20 टाइम्स होंगे. यहाँ पर देखिए 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी जितने हैं उसके 20 टाइम्स किए जाएंगे. वैकेंसी कितने हैं, 35,208 वैकेंसी हैं, जिनमें लगभग आपको देखिए 7,4,160 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड होंगे सेकेंड स्टेज के लिए, जो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे एग्जामिनेशन वो था 1,26,30,885 कैंडिडेट्स हैड अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन. और शॉर्टलिस्टेड कितने होंगे, 20 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, जो कि यहाँ पर दिखा दे रहा है आपको 7,04,160 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड. अब यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज आ रहा है वो हो रहा है 5.57% कैंडिडेट फर्स्ट राउंड ऑनली. तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है. ओके फ्रेंड्स, इतने तादाद में कैंडिडेट जो है पेयर हुए हैं और 20 टाइम्स ही वैकेंसी के जो है यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, और आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स जो है कंपटीशन का लेवल किस प्रकार से हाई होते चला जा रहा है. तो आपको इन बातों से नहीं लेना है. ठीक है, अपनी अच्छी से पढ़ाई करिए, पॉजिटिव थॉट के तरफ रहिए, और मेहनत वही करिए, और सही समय पर जो है अपने मेहनत किए हुए आप जितने भी अच्छी तरीके से किया है उसको आप सही समय पे सही जगह पे यूज़ करें, निश्चय ही आपके सिलेक्शंस होने हैं. ठीक है फ्रेंड. तो सीबीटी 2 का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं हम यहाँ पर. द एग्जामिनेशन विल बी 19 मिनट ड्यूरेशन, देयर विल बी सेक्शंस नेमली जनरल अवेयरनेस जो कि होगा 50 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, ओवरऑल 120 और 1 मार्क्स करके इच आपको दिए जाएंगे, जिसमें नेगेटिव 1/3 होंगे. ओके. तो ये मोटा मोटी पूरा मैं आपके रिगार्डिंग सीबीटी 1 के नोटिस, और सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर होंगे, और सीबीटी 2 के लिए कितने शॉर्टलिस्टेड होकर
ये एग्जामिनेशन देने हैं, तो ये एक मैंने एनालिसिस करके आपके सामने रखा। अब ये है ऑफिशियल नोटिस, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बात कही बातों को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे से रिलेटेड ही मैंने कही, कुछ अपनी तरफ से मैंने नहीं बात कही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जब आ जाता है तो ही मैं वीडियो को बनाना उचित समझता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ, ताकि लगे कि हाँ जो काम है जेन्युइन है। अपनी तरफ से झूठ मूठ का एडवाइस देकर वीडियो बनाना मुझे ज़्यादा भी पसंद नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में भी जो है अनाउंस किया गया है कि ये रिज़ल्ट जो है 15 जनवरी को आएंगे और CBT 2 का एग्जामिनेशन 14-17 फरवरी को शेड्यूल कराए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप जिन लोगों का काफ़ी समय से वेट था कि CBT 2 का एग्जामिनेशन कब होगा, रिजल्ट कब होगा, तो उनके जो है अब यहाँ पर डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे विद अस और स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 दिसंबर का जो आज ही का डेट था, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे विद अस। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर